जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। और मामला है जेएनयू का, वही जेएनयू जो कि आए दिन बवाल और विवाद के अंदर घिरा रहता है। क्यों? उसी जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर 8-10 साल पहले भी कहा गया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और अभी हाल ही में जेएनयू के अंदर यूनिवर्सिटी में जिस कैंपस के अंदर यह लिखा गया था कि ब्राह्मण और बनियो भारत छोड़ो, उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करण वत्स जी और उनके एक सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। और बड़ी बेबाकी से के साथ जो है ये हिंदू विषय पर जो है अपनी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और हालांकि मुझे इनका परिचय देने की जरूरत नहीं क्योंकि अपनी बात ही बेबाकी से रखते रहते हैं, इससे लेकर के ये प्रचलित भी हैं। एक बार क्या नाम है करण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद भैया। क्या बताओगे करण भाई कि अभी लगातार जेएनयू के कैंपस के अंदर इस तरह की बातें, हिंदूवादी बातें या हिंदू विरोधी बातें लिखी जाती हैं, देशद्रोही की बातें लिखी जाती हैं, क्या कहोगे इस पे? देखिए भैया, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी तक सबने नारा लगाया जय श्री राम, तो मैं कहता हूँ जय श्री राम का नारा तो साथ में लगाओ, उसके साथ में लगाना पड़ेगा आपको जय भगवान परशुराम। क्योंकि जब तक इन गवारों के ऊपर जब तक वर्षा नहीं चलेगा तब तक ऐसी अभद्र टिप्पणियां हमारे ऊपर करते रहेंगे। और ये बात कोई दूसरा नहीं कह रहा, जिन्होंने ये लिखा है ना कि देश से ब्राह्मणों को भगाओ बनियों को भगाओ, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हम उसी परशुराम के वंशज हैं जिनको आपने ललकारा है। 6 दिसंबर को मैं खुद जेएनयू के सामने गया था, कोई बाहर आके दिखा देता, मैं खुली चुनौती देता हूँ कोई बाहर आके दिखा देता, प्रशासन के द्वारा हमें वहां से उठवाया गया है। मैं एक चीज और बता दूं, कहीं ना कहीं बेशक प्रशासन इन लोगों के ऊपर अपना जो है डंडे का जोर चला करके इन लोगों को भगा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी युवा का खून खोल उठता है क्योंकि जब जिहादियों के द्वारा या वामपंथी लोगों के द्वारा इस तरह की बातें कैंपस के अंदर लिखी जाती है, और जबकि वो यूनिवर्सिटी खुद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एक सवाल और करना चाहता हूं कि जो ये वामपंथी जो ये गवार जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ रहे हैं, ये 40-40 साल के बुड्ढे जो कि 10-10 रुपए के रूम के अंदर लेके बैठ के पढ़ रहे हैं, इनको ये पता है कि इनका टैक्स कहाँ से आता है? ये टैक्स खुद ब्राह्मणों बनियों के पैसों से आता है जिसको तुम 10-10 रुपए के रूम के अंदर लेके और वहां पे पढ़ रहे हो। यही रूम का किराया जब बीच में 10 रुपए से 15 रुपए हो गया था तब तुम्हारे कच्चे फट गए थे, याद है तुम्हें वो दिन? और तुम्हें हमें भगाने की बात कर रहे हो, हमें भगाने की? ब्राह्मण वही समाज है जिसके अंदर से पंडित चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, मंगल पांडे और ऐसे बड़े क्रांतिकारी हुए जिसने भारत को आजादी दिलाने में अपने 100% जोड़ दिया था। और वही मैं कहना चाहता हूँ कि गवारो, वो बात दोबारा मैं कहना चाहता हूँ, यही बात कि कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम यदि तुम ये प्रशासन अगर तुम्हें नहीं बचाए, तुम सामने आ जाओ, मैं बता रहा हूं खाल में भूस भर दिया जाएगा तुम्हारी। सच्चाई है, पूरे भारत के तमाम जो है जातियों के लोग मिलकर के, जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात करूं बनिया कौम का और ब्राह्मण कौम का ही जो है टैक्स पे करने के बाद तुम लोगों के यहाँ पर पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च करता है, और उसके बाद तुम बात करते हो ब्राह्मण और बनियों को भारत छोड़ने की। कहीं ना कहीं भारत देश का अगर बनिया और जो है ब्राह्मण देश छोड़ देगा तुम कहीं के भी नहीं रहने वाले। और इसी चीज के ऊपर खुलकर वाकई बेबाकी से बहुत करण भाई ने अपनी बात रखी। और क्या बताओगे करण भाई, क्योंकि जिस समय 8-10 साल पहले ये बात लिखी गई थी, क्या नाम है, कही गई थी जेएनयू के अंदर ही कि क्या नाम है भारत तेरे टुकड़े होंगे, यदि इसके ऊपर उचित तरीके से कार्रवाई हो जाती है क्या आज ये होता? भैया देखो, मैं तो आपको एक चीज बता रहा हूँ, प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है क्योंकि 6 दिसंबर को मैं खुद जेएनयू यूनिवर्सिटी के सामने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए गया था केवल, और केवल मेरे साथ 6 लड़के ही थे, 6 लड़के बस। और जब 6 लड़के ये देखने के लिए पहुंचे थे ये कार्य किस वामपंथी मनुष्य ने किया है, ये चीज जानना मेरा अधिकार है, ये संविधान के अंदर भी लिखा हुआ है मेरा अधिकार है ये चीज जानना। लेकिन जब मैं जेएनयू यूनिवर्सिटी के सामने जाके खड़ा हुआ हूँ तो प्रशासन के द्वारा मेरे को उठा के लेके गया हुआ है, जाया गया है, और वसंत कुंज थाने में जब मेरे को बंद करा गया है तब वहां पे भी इनकी बात नहीं पूरी हो पाई है, वहां पे भी ये हमसे जो हम कहने के लिए आए थे वहां पे हमें बैला फुसला रहे थे कि आप चाय पियेंगे समोसे खाएंगे इस चीज से। अरे यार छोटी सोच वालों, ये ब्राह्मणों को इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी ब्राह्मणों बनियों को और तुम जलेबी और समोसे में हमें बैला फुसला लोगे? उसके बाद भी जब इनसे कार्रवाई नहीं हुई तब इन्होंने हमें बड़ी बस करवा के जब वहां से और लड़के आए थे जो बगावत के लिए आए हुए थे उनको बिठा के सागरपुर थाना भेजा है। सागरपुर थाने के अंदर भी जब इनसे कोई बात नहीं हुई 11 से 11:30-12 बजे तक हमें वहां पे बिठा के रखा हुआ है। कौन सी कार्रवाई है? जो 4 जने जिन्होंने ये लिखा था ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो उनको सामने लेके आओ, अगर तुमसे कार्रवाई नहीं होती तो ब्राह्मण के बच्चे और बनियों के बच्चे
अपने आप कार्यवाही कर लेंगे, देख लेना किस तरीके से कार्यवाही करेंगे। अब आज दिल्ली की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दिल्ली के हर चौक चौराहे के ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है, फिर चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल, तमाम हर चीज के ऊपर सीसीटीवी लगे सिवाय जेएनयू कैंपस के अंदर। और जबकि जेएनयू के अंदर लगातार इस तरह का बवाल विवाद होता है, उसके बावजूद भी प्रशासन या सरकार अभी तक वहां पर सीसीटीवी नहीं लगा पाई। या जेएनयू की तो मैं खुद बात करूं ना, जब मैं थाने के अंदर था तो वहां के, मैं ऐसा नहीं कहता प्रशासन समझता नहीं है, प्रशासन सब समझता है, प्रशासन के कुछ पुलिस अधिकारियों ने मेरे से यह बात करी थी कि भाई साहब आप जो कर रहे हो उसको बड़े लेवल पे होना चाहिए वो चीजें। पुलिस वाले खुद जेएनयू के अंदर नहीं जा सकते, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं, कोई बात नहीं, जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों नहीं जा सकते, जबकि वहां तो ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि अफ्ताब हम शर्मिंदा हैं और क्या बोलते हैं भारत के टुकड़े होंगे, कैसे कैसे नारे लगाए तो, और ये ब्राह्मणों बनिया भारत छोड़ो, छोड़ देंगे क्या, तुम्हारी माँ ने इतना दूध पिलाया हो ना, कभी सामने आके बोलना ब्राह्मणों बनिया भारत छोड़ दो, दिन के उजाले में लिख के दिखाओ। क्या लगता है कि इसको लेकर के मतलब कहीं ना कहीं वहां का प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें, सब मिली भगत तो नहीं है? जी मेरे को तो, मैं अपने हिसाब से बताऊं जो मेरा दिमाग कहता है, जो मेरा मानना है, अगर यही चीज अगर किसी मुसलमान के खिलाफ, मैं केवल मुसलमान इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीजें हमारे सामने हो चुकी है, ये सारी कौम और धर्म वगैरह ये चलते रहते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जब ब्राह्मण और बनियों के सामने जब ये बात हुई है तो हिंदू समाज एक क्यों नहीं हो रहा इसमें, क्या हम अलग है? या कांग्रेस सरकार, कोई भी सरकार अगर धर्म के नाम पे पैसा मांगती है, उनको ये याद रखना चाहिए हिंदू भी उनको वोट देता है, कहीं ना कहीं उनका भी समर्थन है आपको जितवाने में या हराने में किसी भी चीज में, तो अगर आप उनकी सहायता करेंगे तो आप जीत के भागीदार बन सकते हैं। लेकिन मेरे को इससे विरुद्ध होता हुआ दिख रहा है, क्या समझा जाए, या ये किसी पार्टी का इनका कराया धरा है या फिर प्रशासन का किया धरा है, मेरे को इतना, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं ज्यादा इसके बारे में मेरे को पता नहीं है ये चीजें, लेकिन जो भी कुछ है गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है ये चीजें। इसके लिए केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, राज्य सरकार को सोचना चाहिए, मंत्री को सोचना चाहिए, जो हिंदू के लिए, जो ब्राह्मणों के लेकर, बनिया समाज को लेकर वोट मांगता है, उस हर समाज को सोचना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ऐसे चुप बैठोगे तो दबा दिए जाओगे और बहुत बुरी तरह दबा दिए जाओगे। वाकई बहुत खुलकर और बड़ी बेबाकी से भाई ने अपनी बात रखी। एक युवा नौजवान साथी और हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया बिल्कुल भी, और हमने उनसे बार बार यही पूछा और हमने उनसे एफआईआर लिख के दी, हमने कॉपी में लिख के दिया, हमने साइन करवाया, यह कहा कि जेएनयू के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते। क्या लगता है कि प्रशासन की जो है लापरवाही है या सरकार भी के साथ मिली? पूरा पूरा प्रशासन और सरकार पूरा पूरा साथ दे रही है, पूरा पूरा, क्योंकि हमें जब हम पहुंचने से पहले ही उठा लिए गए, क्योंकि इस चीज की जानकारी थी उन्हें कि ये आएंगे, क्योंकि प्रशासन ने ये चीज नहीं देखा कि वहां पे ब्राह्मण लिखा हुआ, भारत लिखा, भारत छोड़ो ब्राह्मण लिखा, पर ये दिख गया उन्हें कि ब्राह्मण आ रहा है यहाँ पे, ये चीज उन्हें दिखाई दे गई और हमें उठा के उन्होंने, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना गलत है, यदि हम किसी बस को फोड़े या फिर किसी घर में आग लगाए, किसी दुकान में आग लगाए, तो वो क्या प्रदर्शन ठीक है? और उन्हीं से ही सरकार दबती है, ये चीज हमें आज देखने को मिल रही है। आज भी लगातार, क्योंकि 8-10 साल पहले इसके यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगाए गए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, और आज तक भी सीसीटीवी नहीं लग पाए, क्या रीजन हो सकता है? ये प्रशासन पूरा पूरा साथ दे रहा है और उनका जो सरकार है पूरा पूरा साथ दे रही है, नहीं तो ऐसी यूनिवर्सिटी तो कब की बंद कर देनी चाहिए थी, जब उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे यही नारा लगाया था उसी टाइम ये यूनिवर्सिटी बंद कर देनी चाहिए थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसमें, बात ही चल रही है अभी तक, चालू है और आराम से चालू है, उसके अंदर प्रशासन एक कदम नहीं अंदर रख सकता है, हमारी तो बात छोड़ो, प्रशासन अंदर कदम नहीं रख सकता, तो फिर वो यूनिवर्सिटी क्या कर रही होगी? अब ऐसे में क्या कार्रवाई बन सकती है, क्या आप लोग क्या मतलब, अगर ब्राह्मण और जो है बनियों के को लेकर के बात लिखी, क्या लगता है कि क्या करना चाहिए ऐसे में? ऐसे में उन पे बोल दिया जाता है, तो आप बताओ क्या कर सकते हैं? हमने जब उनसे वहां बैठे थे, जब हमें पहले तो बसंत कुंज लेके गए, हमने वहां भी पूछा कि हमारी गलती क्या, हम ये चीजें जानकारी ले रहे थे, हमने उनसे पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, आप अपने जो आपका सरकार या प्रशासन है उससे बात कीजिए। हमने उनसे भी पूछा मगर उन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी कि तुम इसके खिलाफ क्या कर सकते हो, और उन्होंने बस हमें बिठा के रखा 12 बजे तक, पूरे 12:30 बजे तक हमें वही थाने के अंदर, पहले तो बसंत कुंज बिठा के रखा, फिर वहां से सागरपुर लेके गए, सागरपुर में भी बिठा के रखा और बिठा के ही रखा, जानकारी नहीं दी ना हमारे, हमारी जो हम बोले थे कार्रवाई करो, उन्होंने कार्रवाई करी। आपको ये बताना चाहता हूँ ये प्रोपेगेंडा क्या है, ये हिंदुओं का तोड़ने का प्रोपेगेंडा है केवल बस, कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, कभी बोलते हैं राजपूत और ब्राह्मण ये हमारा शोषण कर रहे हैं, और कभी बोलते हैं कि बनिए भारत छोड़ो, ये क्या है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ,
जिस दिन मेरे को अरेस्ट के वन सजा, डरने वाले नहीं है, गाड़ देंगे। बड़ी बेबाकी से वाकई दोनों भाइयों ने अपनी बात रखी। फिर एक बात कहूंगा, कहीं ना कहीं यदि एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की बातों का लिखा जाना कि ब्राह्मण और बनियों को लेकर के भारत छोड़ो, या ये लिखा जाना कि कहना है भारत तेरे टुकड़े होंगे, या अफजल गुरु हम शर्मिंदा है और तेरे कातिल जिन्हें, इन तमाम चीजों को लेकर के सीधा सीधा ये जाहिर तो हो जाता है कहीं ना कहीं छात्रों के साथ साथ कहीं ना कहीं वामपंथी और जिहादी लोग भी वहीं पर अंदर जो है, जो कि वहां पर शरण ले रहे हैं, और सच्चाई माने तो उनको शरण देने का काम कहीं ना कहीं अगर इन बातों को लेकर के भी देखें, यदि उचित तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही तो वहां का प्रशासन और कहीं ना कहीं सरकार भी मिली भगत है। और पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि बजाय इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर, और कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ बताओ, वो भाई एक बार कह रहे थे दोबारा वही डायलॉग बोलो। मैं बताता हूँ आपको, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू, तो मैं एक चीज यही चीज आपसे बोलना चाहता हूँ कि यदि फूट डालोगे